हेलो चिल्ड्रेन वेलकम टू सी बी ए ऑनलाइन क्लास ऑफ इंग्लिश बिफोर स्टार्टिंग एनी थिंग आई वुड लाइक टू टेल सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स फर्स्ट पॉइंट डू योर इंग्लिश वर्क इन योर ओल्ड इंग्लिश नोटबुक और इन एनी रफ कॉपी सेकेंड पॉइंट फर्स्ट पी डी एफ जो आप लोगों को इंग्लिश का प्रोवाइड किया गया था उसमें चैप्टर फर्स्ट जहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपको वहाँ से इंग्लिश का रिटर्न वर्क करना है एंड योर वर्क शुड बी इन अ प्रॉपर एंड सिस्टमैटिक मैनर मीन्स जैसा आप स्कूल में डेट वाइज चैप्टर वाइज वर्क करते हैं वैसा वर्क आपको घर पे करना है सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो इंग्लिश ग्रामर चैप्टर फर्स्ट डिटर्मिनर्स पार्ट टू

first with unique people or object. Unique means अपने आप में अकेला जहाँ पे कोई person या thing अपने आप में अकेली होती है तो हम वहाँ पे the का use करते हैं For example, the sun, the earth, with adjectives referring to a whole group of people. Whole means पूरा जाति पूरा caste के बारे में अगर बात होती है तो हम वहाँ पे the use karte hain. for example, the old, the rich, with famous building, museum, monuments. example, the taj mahal, the kutum Minar, with superlative degrees of adjective, the highest, the nearest, with ordinal numbers, the first time, the third time. with countries, the name of which include kingdom, states, or republic. with name of countries, we know that, जब भी कोई कंट्री का नेम होता है उसके आगे हम द का यूज़ नहीं करते लेकिन जब ऐसी कंट्रीज जिसमें किंगडम स्टेट और रिपब्लिक इंक्लूड होता है तो हम वहाँ पे द का कर यूज़ करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल स्टेट्स द यूनाइटेड किंगडम द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड विथ कंट्रीज द्यूरल नेम्स द नीदरलैंड्स नीदरलैंड्स प्यूरल इंडिकेशन हो रहा है so what we use here the with rivers canals oceans the ganga the atlantic with the name of families families ka jo name hota hai uske aage bhi hum the ko use karte hain for example the ranas the guptas before the word whole and after the word all जो word है whole उसके आगे हम the को use करेंगे और जो word है all a double l all इसके पीछे भी हम द का कर यूज करते हैं फॉर एग्जाम्पल ऑल द बुक्स आर हेयर आई विजिटेड द होल वर्ल्ड वीर नॉट टू यूज द फर्स्ट बिफोर द नेम ऑफ डिजीजेस कोई भी डिजीज का अगर नेम होता है उसके आगे हम द का यूज नहीं करेंगे बिफोर द नेम ऑफ अ लैंग्वेज लैंग्वेज इंग्लिश हिंदी कोई भी लैंग्वेज होती है उसके आगे हम द का यूज नहीं करते द इंग्लिश द हिंदी कभी भी नहीं बोला जाता बिफोर अ प्रॉपर नाउन प्रॉपर नाउन मीन्स नेम ऑफ पर्सन प्लेस थिंग इसके आगे भी हम द का यूज़ नहीं करते बिफोर द नेम ऑफ अ कंट्री कंट्री के नेम के आगे द नहीं यूज़ करते बिफोर द वर्ड ब्रेकफास्ट लंच डिनर बिफोर हॉस्पिटल गुड एंड स्कूल वी डोंट यूज द सेकेंड टाइप ऑफ डिटर्मिनट इज डेमोन्स्ट्रेटिव This and that are used before singular countable nouns, while these and those are used before plural countable nouns. For example, this student is my brother. That kid is mine. possessive my, our, your, his, its, their are called positive, and these are used to indicate relation of things or action with other things or nouns. For example, he is my brother. Your brother is coming. indicate relation. On that time, we use positives. Quantifiers. Search words or group of words which are used before a noun to indicate the amount of quantity of that noun. Example, he has few books. I have many friends. Quantifiers.

आर यूज टू इंडिकेट वन पर्सन और थिंग अमोंग मैनी पर्सन और थिंग मीन्स बहुत सारे लोगों में से जब हमें ओनली एक चीज के बारे में इंडिकेशन करना हो देन वी यूज डिस्ट्रीब्यूटर्स फॉर एग्जाम्पल ईच क्वेश्चन कैरीज इक्वल मार्क्स नैदर बॉय वॉज प्रेजेंट दैट्स ऑल फॉर टुडे टिल देन बाय